हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री ट्वेल्थ साइंस का जो पार्ट टू का जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, उसकी बात करेंगे। ये नाम देख के आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। आपको शायद याद होगा कि आपने 11th साइंस में एक चैप्टर पढ़ा था, पहला ही चैप्टर था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। उसमें भी ऐसी ही बात की थी जब आप 11th साइंस में एंटर हुए थे। तो अब जब 12th साइंस खत्म कर रहे हैं तो भी ये लास्ट चैप्टर ये है कि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी नहीं, यही है कि आप केमिकल्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि केमिकल्स आपके आसपास जो भी चीज वस्तु आप देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब केमिस्ट्री से बना हुआ है। सुबह उठ के आप जो कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, तो उसमें भी केमिकल है। जो आप पानी से आप मुंह धो रहे हैं तो पानी भी एक केमिकल है। आप जो खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए भी जो कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी एक टाइप के केमिकल्स है। अब कोई डिजीज अगर हुई तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग यूज होंगे तो वो ड्रग्स वो भी केमिकल है। अगर हम खेत की बात करें तो खेत में जो फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं तो वो भी केमिकल ही है। डिफेंस सर्विस में जो भी वेपन्स यूज होते हैं तो वेपन्स बनाने के लिए भी केमिकल जरूरी है। और जो सफाई के लिए जो हम यूज करते हैं अभी, जो हैंड वॉश सैनिटाइजर, उसमें भी केमिकल होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें इतने सारे नए वर्ड्स आएंगे कि जितने पूरे केमिस्ट्री में नए वर्ड्स आएंगे। ये अकेला चैप्टर ऐसा है कि इसमें इतने सारे नए वर्ड्स आएंगे। अगर मैं जो जिस तरीके से करा रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे तो सबसे इजी चैप्टर ये होगा। और अगर आप रट्टा मारने की सोच रहे हो तो रट्टा मारोगे तो ये सबसे हार्ड चैप्टर लगेगा आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज वस्तु है, जो भी हम देख रहे हैं, तो वो सारी की सारी केमिस्ट्री की बनी हुई है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्यों, अगर आपको फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो फिजिक्स के जो टीचर है वो आपको ये कहेंगे कि आपके आसपास जो भी कुछ है वो सब फिजिक्स है, अच्छा। तो फिर अगर आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो मैथ्स के टीचर भी आपको यही कहेंगे कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो सब मैथ्स की वजह से हो रहा है। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के टीचर भी आपको यही कहेंगे कि आपके आसपास जो भी कुछ है वो सब बायोलॉजी की वजह है। तो क्या ये सब टीचर क्या कह रहे हैं, क्या है हमारे आसपास, केमिस्ट्री है हमारे आसपास, क्या है फिजिक्स है, मैथ्स है या फिर बायोलॉजी है, या ये सारे के सारे टीचर्स जो है वो आपको सच कह रहे हैं या जो है? तो ये जो सारे टीचर है वो सच कह रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको आपको शायद पता होगा, आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे, आप 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको शायद याद होगा, और एक था डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों चैप्टर अलग अलग ही थे, दोनों साथ में नहीं थे, वो आपने पढ़े थे, आपको पता है वो दोनों थे अलग, लेकिन वो दोनों है कहाँ में, क्योंकि एक ही ह्यूमन बॉडी में है वो दोनों के दोनों, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। वो हमें सीखने के लिए, हमारी सरलता के लिए उसको हमने डिवाइड किया था। ऐसे ही साइंस एक ही है लेकिन हमारी सरलता के लिए हमने ऐसी ब्रांच दी है कि ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है और ये बायोलॉजी, ठीक है। तो सारे के सारे टीचर्स जो है वो सही है, मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें हमें पढ़ना है तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट ड्रग, सेकंड केमिकल इन फूड, एंड थर्ड क्लींसिंग एजेंट्स। तीन चीजों की हमें बात करनी है, फर्स्ट ड्रग, सेकंड केमिकल इन फूड, एंड तीसरा क्लींसिंग एजेंट, ठीक है। तीनों के तीनों नोट डाउन कर लो आप।
ठीक है, लिख लिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग, कि ड्रग क्या है। तो ड्रग पढ़ने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स जो है उसका मीनिंग हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। ड्रग और दूसरा है मेडिसिन, ठीक है। एक ड्रग है और दूसरा मेडिसिन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ड्रग और दूसरा मेडिसिन। ठीक है, ड्रग समझने से पहले हम दो वर्ड समझ लेते हैं, ड्रग और मेडिसिन, इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए 100 to 500 यूनिट तक का जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट है वो सारे केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के मैक्रोमॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स, फैट, वो सब मैक्रोमोलिक्यूल है। किसमें है? बॉडी के अंदर। और ये जो केमिकल उसका मॉलिक्यूलर वेट अराउंड नियर अबाउट 100 टू 500 यूनिट जितना होता है, वो सारे के सारे केमिकल किसके साथ रिएक्शन करते हैं? तो मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है, फैट है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। अगर उस रिएक्शन में कुछ बेनिफिट हो यानी कि कुछ लाभ हो, क्या हो? बेनिफिट हो, तो वो सारी की सारी ड्रग एज अ मेडिसिन वर्क करेगी। अब ये भी कैसी बात हुई कि अगर बेनिफिट हो तो मेडिसिन और अगर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ तो ये भी सही बात है, वो देखते हैं अभी। तो ड्रग किसे कहते हैं और मेडिसिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप जब मेडिकल स्टोर पे आप जाओ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके कोई भी मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर पे, तो मेडिकल स्टोर में जो जितनी भी सारी जो दवा जो है वो आप देख रहे हो, ठीक है। वो जितनी भी सारी जो मेडिसिन आप देख रहे हो ना, वो सारी की सारी ड्रग्स है, वो सारी की सारी क्या है? ड्रग्स है। लेकिन आप वो मेडिकल स्टोर वाले भाई को आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देते हो और उसमें से वो इतनी सारी जो ड्रग्स है उसमें से वो आपको जो चाहिए वो वहां से निकाल के आपको देता है, तो वो जो आपको दी गई दवा जो है वो आपके पर्सनल यूज के है, वो मेडिसिन है। यानी कि वो जो आपने सब देखा वो ड्रग्स थी, लेकिन आपके पर्सनल यूज के लिए आप जो लेके आए वो मेडिसिन थी। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बात लिखी है कि ये मैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ ये केमिकल्स रिएक्शन करेगी और हमें बेनिफिट होगा तो ही ये मेडिसिन होगी। लेकिन इसका सही मात्रा में अगर हमने यूज नहीं किया तो यानी कि ओवरडोज अगर ले लिया हम तो यही एज अ पॉइजन भी वर्क कर सकती है। ये मेडिसिन एज अ पॉइजन, पोटेंशियल पॉइजन एज अ वर्ड यूज होता है। अगर किसी भी ड्रग का कोई किसी ने भी ओवरडोज ले लिया, यानी कि जो सही मात्रा में जो लेनी चाहिए वो अगर नहीं ली और उसका ओवरडोज ले लिया तो वो एज अ पॉइजन बन सकती है। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आप ड्रग लीजिए, ठीक है, इतना लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया होगा सर। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे ये जो ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अभी हमें इंट्रोडक्शन नहीं है, तो क्लासिफिकेशन में एंटर हो उससे पहले एक वर्ड है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन वो जानना जरूरी है,
वर्ड कुछ इस तरह से है। फार्माकोलॉजी यानी कि ड्रग्स का विज्ञान, क्या है ये ड्रग का विज्ञान? फार्माकोलॉजी ड्रग का विज्ञान यानी कि कोई भी ड्रग अगर बनती है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रोडक्शन, उसका वर्क, वो क्या यानी कि मैकेनिज्म उसे बोलते हैं, वो कैसे वर्क करेगी, वो सब किसमें पढ़ना है, इसमें फार्माकोलॉजी। अगर मैं यही मान के चलता हूँ कि जिन लोगों ने बी ग्रुप लिया है वो सारे के सारे मेडिकल लाइन में ही जाएंगे, उसने मेडिकल लाइन में जाने के लिए ही बी ग्रुप लिया है। अगर वो MBBS करेंगे तो MBBS के सेकंड ईयर में ही ये सब जगह फार्माकोलॉजी, उसमें जो भी लेटेस्ट कुछ भी जो ड्रग्स है उसके रिसर्च जितने भी हुए हैं तो वो सब इसमें उसको पढ़ने को मिलेंगे। फार्माकोलॉजी में अभी जो रिसर्च कोरोना से रिलेटेड COVID-19 जिसे बोलते हैं उसकी जो मेडिसिन तैयार होने वाली है, जो जो भी कुछ ट्रायल चल रहे हैं तो भी नज़दीक के भविष्य में उन लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। ये तो इसे बोलते हैं ड्रग्स का विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी जो है उसकी भी दो ब्रांचेस है, एक फार्माको काइनेटिक्स और दूसरी है फार्माको डायनेमिक्स। दो ब्रांचेस है फार्माको काइनेटिक्स और फार्माको डायनेमिक्स, ठीक है। अब ये फार्माको जो काइनेटिक्स है उसमें क्या है और फार्माको डायनेमिक्स है उसमें क्या है, तो सिंपल है, देखिए। When the body does to the drug, यानी कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, थोड़ा उल्टा है आपको क्वेश्चन भी होंगे कि सर ड्रग लेने से ड्रग एक्शन लेगी ना, बॉडी क्यों एक्शन लेगी, लेकिन नहीं। अभी हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग हम ले तो हमारी बॉडी क्या एक्शन लेगी, वो सब किसमें पढ़ना है, फार्माको काइनेटिक्स में और फार्माको डायनेमिक्स में। व्हेन द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि कोई भी ड्रग हमने ली है तो फिर ड्रग क्या एक्शन लेगी, ठीक है, वो सब हमें पढ़ना है फार्माको डायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये चार्ट बना के लिख लो, लिख लिया होगा फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि किसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं किसको फार्माकोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे देखो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि कोई भी ड्रग हम ले तो फिर हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और सिर दर्द कम करने के लिए एक ड्रग है, उस केमिकल का नाम है ए नाम का केमिकल है, ए तरह का केमिकल कि जिससे सिर में दर्द कम होता है। तो जो सिर में दर्द कम होता है वो मुझे पता है कि ए केमिकल से कम होता है, तो मैंने उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया कि सिर में दर्द कम करने की दवा ये है और मैंने इंडस्ट्री शुरू कर दी। उस दवा का प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से हो गया और मार्केटिंग भी होने लगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर एक दिन ऐसा करते करते मेरा ही सिर दुखने लगा, मेरा सिर जब दुखने लगा तो फिर मेरे पास तो उपाय था ही, मैंने ये केमिकल लिया पानी के साथ और ये ड्रग ले ली। आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, दो घंटे, तीन घंटे, लेकिन मेरा सिर दर्द कम नहीं हुआ, क्यों? फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये मैंने क्या किया, जो मुझे पता है कि सिर दर्द कम करने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए, ए नाम का केमिकल चाहिए, और मैंने क्या लिया, ए केमिकल लिया। ए केमिकल मैंने जैसे ही पानी के साथ अपनी बॉडी में लिया तो हमारी बॉडी में यहाँ पे जो सेल वॉल ग्लैंड्स है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगी, उसमें टाइलिन एमाइलेज जो है वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ए में से बी बना डालेगा,
बी जैसे बॉडी में आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, उससे ही उसमें सी बनता जाएगा, सी में से डी बनता जाएगा, डी में से ई बनता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बॉडी के हर एक पार्ट से, वो होते होते जब तक वो दिमाग तक पहुंचेगा तब तक वो ए नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, डी ई एफ भी हो सकता है। तो आखिर में सी तक पहुंचेगा कौन, एफ। और चाहिए क्या, दिमाग किससे सिरदर्द जो है वो किससे कम होगा, तो वो तो ए से कम होगा। एफ जब पहुंचेगा तो सिरदर्द उससे कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि एफ जो है वो सिरदर्द कम नहीं करेगा। मुझे पता है कि सिरदर्द कम किससे होगा, सिरदर्द कम केमिकल ऐसे होगा। तो मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा कि जो कन्वर्ट होते होते जब तक सिर तक पहुंचे तब तक वो ए बन जाना चाहिए। अगर वो ए बना और सिर तक पहुंचा तो सिरदर्द कम हो जाएगा। तो ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, वो सारा पढ़ना है इसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में। यानी कि कोई भी ड्रग हमने ली तो कन्वर्ट होते होते वहां तक पहुंची तब तक वो जो फॉर्म उसको चाहिए वही फॉर्म उसको मिलेगा। तो वो सब किसमें पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। वो सब किसमें पढ़ेंगे हम, फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और मैंने एक केमिकल लिया, वो कन्वर्ट होते होते ए सिर तक पहुंचा और वो ए फॉर्म में ही रहा। अब जो ए फॉर्म है वो शरीर के बाकी सारे हिस्सों में भी जाएगा, यानी कि सिर में गया, सिर दर्द कम हुआ, वो सही बात है, लेकिन मेरी आंखों में भी जाएगा, आंखों पे जरूरत ही नहीं, नाक पे भी जाएगा, वहां तो जरूरत ही नहीं है, हाथ में जाएगा, पैर में जाएगा, जहां पे जरूर नहीं है वहां पे भी हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग बनानी है कि वो कहाँ पे इफेक्ट ज्यादा करेगी, कहाँ पे इफेक्ट कम करेगी। तो वो सारा जो साइंस है वो इसमें पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स में। तो आप जरा सोचिए कि एक जो नन्ही सी, जो छोटी सी गोली जो है, जो ड्रग्स है, वो बनाने के लिए साइंटिस्ट जो केमिस्ट होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने रिसर्च के बाद, कितने टेस्ट के बाद वो मार्केट में आती है और आपके हाथ में आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी दवा की जो टैबलेट है वो किसी की जान बचा भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। खूब सारा रिसर्च करके इन लोगों ने ये ड्रग्स बनाई होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप ड्रग न लें, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपके जो सजेशन्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक रखते हैं, अस्तु।